नमस्कार दोस्तों, जनवरी के मिसलेनियस आर्टिकल्स की वीडियो में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल हमारा अटल सेतु के बारे में है। आपको ये याद रखना है, अटल सेतु का इनाग्रेशन हुआ है, मतलब अटल सेतु इस्टाब्लिश किया गया है गोवा में मांडोवी रिवर के ऊपर। लेंथ कितनी है और कितने लाख टन से ये ब्रिज बना है, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना, मांडोवी रिवर गोवा में और उस रिवर के ऊपर है ये ब्रिज अटल सेतु। नेक्स्ट आर्टिकल हमबैक डॉल्फिन्स के बारे में है। मुंबई कोस्ट के पास हमबैक डॉल्फिन्स को देखा गया। देखो, हैबिटेट की बात करें तो ये हमबैक डॉल्फिन जो है वो इंडियन ओशन में मिलती है, अफ्रीका के कोस्ट से लेके मलक्का स्ट्रेट तक। और हैबिटेट की बात करें तो हमबैक डॉल्फिन के बारे में एक बात ये कही जाती है, ये मोस्ट अडेप्टिव डॉल्फिन है, क्योंकि देखो ये शैलो वाटर में मिलती है और आमतौर पर जो शैलो वाटर है वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन देखने को मिलता है और शिपिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है शैलो वाटर में, फिशिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है डॉल्फिन की। इसी वजह से उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है इस डॉल्फिन के द्वारा, और कहा जाता है हमबैक डॉल्फिन मोस्ट अडॉप्टिव डॉल्फिन है। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से स्टेटस जो है इस डॉल्फिन का वो इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है ये हमबैक डॉल्फिन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे एंड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे के बारे में है। ये दो सर्वे देखो करवाए जा रहे हैं RBI के द्वारा। यहाँ पर देखो, जो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे है ये यूजफुल इंसाइट्स देगा कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस प्रकार से काम कर रहा है, और इस सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और नीचे वाला सर्वे सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे, ये कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, स्पेक्ट्रम प्लानिंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये सर्वे पता लगाएगा हमारे देश में सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में बिजनेस सिचुएशन कैसी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में है। केरल में देखो इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। केरल स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत ये इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद तो फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं इस इंडिया के लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो फैसिलिटीज याद रखना जरूरी नहीं है, अगर UPSC पूछे हाल ही में इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, आंसर होगा केरल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल केयर के बारे में है, यानी कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। UGC के द्वारा ये कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स यानी केयर इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि रिसर्च पब्लिकेशन को हमारे देश में और ज़्यादा रिफाइन किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। काम क्या होगा इस केयर का, देखो अच्छी क्वालिटी के रिसर्च जर्नल्स वेरियस डिसिप्लिन में, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज आर्ट्स, कल्चर, इंडियन लैंग्वेज सिस्टम, ये सब मेंटेन किए जाएंगे किसके द्वारा, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एथिक्स के द्वारा। और इन जर्नल्स को यूज़ किया जाएगा वेरियस एकेडमिक पर्पजेज़ के लिए, और जो जर्नल्स अच्छी क्वालिटी के मेंटेन किए जाएंगे उसको कहा जाएगा केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स। समझ गए, समय समय पर इस लिस्ट को अपडेट भी किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने अप्रूवल दिया है देश का पहला नेशनल स्कूल बोर्ड फॉर वैदिक एजुकेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड। मकसद इस बोर्ड को इस्टेब्लिश करने का ये है, हमारे देश में वैदिक एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज किया जाए, सिलेबस की ड्राफ्टिंग करके, एग्जामिनेशन कंडक्ट करके और सर्टिफिकेट्स को इशू करके। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी नए तरह के स्कूल्स इवोल्व करना, जो एक प्रकार से वैदिक और मॉडर्न एजुकेशन साथ साथ देते हों। समझ गए, मतलब ट्रेडिशनल जो लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा ये भारतीय शिक्षा बोर्ड। इस शिक्षा बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाएगा महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेदा विद्या प्रतिष्ठान के मॉडल के अनुसार। ये जो बॉडी है ना, महर्षि संदीपानी राष्ट्रीय वेदा विद्या प्रतिष्ठान, सॉरी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत आती है। इस बॉडी को सेटअप किया गया था वेदों की ओरल स्टडी को प्रोपगेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बेरूत डिक्लेरेशन के बारे में है। देखो, अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और उसी में जॉइंट स्टेटमेंट जो निकल के आई थी उसे ही बेरूत डिक्लेरेशन कहा गया है। इस डिक्लेरेशन में एक तो अरब फ्री ट्रेड जोन
इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी से आह्वान किया गया था कि वो रिफ्यूजीज़ को शरण दें और वो लोग जो दूसरे देश से भाग के आए हैं उनको पनाह दें, शेल्टर दें। तो बेरूत डिक्लेरेशन के बारे में यूपीएससी अगर पूछे तो आपने जान लिया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं। फ्रांस ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया है बड़ी कंपनीज पे, गाफा टैक्स, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन टैक्स। 1 जनवरी 2019 से फ्रांस ने ये टैक्स इम्पोज किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साल्सा के बारे में है। पूरा नाम है सब ग्लेशियल अंटार्कटिक लेक साइंटिफिक एक्सेस। एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें क्या किया जाएगा, अंटार्कटिक में जो सब ग्लेशियल लेक है मरकर, यहाँ पर माइक्रोब्स और लिविंग स्पेसिमेन को स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर देखो सिर्फ साल्सा दे दिया जाता है तो कन्फ्यूज़ होने की संभावना है। अगर पूरा नाम यूपीएससी देगी सब ग्लेशियल अंटार्कटिक लेक साइंटिफिक एक्सेस, तो ये तो पता लग जाएगा अंटार्कटिक में ये प्रोजेक्ट है, लेकिन यूपीएससी यूं फंसाने के लिए पूछ सकती है किस लिए है ये प्रोजेक्ट। तो माइक्रोब्स और लिविंग स्पेसिमेन की स्टडी के लिए है ये प्रोजेक्ट, मतलब और कुछ ऑप्शन फंसाने के लिए काफ़ी बार दे दिए जाते हैं ना कि ये दूरबीन है या फिर आइस क्यों पिघल रही है उससे संबंधित है। नहीं, माइक्रोब्स और लिविंग स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए है सब ग्लेशियल लेक मरकर में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्ट फूड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में है। इस काउंसिल को लॉन्च किया गया है स्मार्ट फूड इनिशिएटिव के तत्वाधान में, किसके द्वारा, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के द्वारा। मकसद इस काउंसिल को लॉन्च करने का ये है स्टेपल क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि स्टेपल क्रॉप्स फॉर एग्जांपल देखो राइस, गेहूं, इसको हम एक दिन में दो बार या फिर कई जगह तो तीन बार भी खाया जाता है। तो न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टेपल क्रॉप्स में, और इसी वजह से इस काउंसिल का निर्माण किया गया है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लूनर रोवर यूतू टू के बारे में है। देखो ये चाइना का लूनर रोवर है जिसे मून पर इफेक्टिवली डिप्लॉय किया गया है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। नाम है यूतू टू। अगर यूपीएससी पूछे यूतू टू क्या है, ये एक लूनर रोवर है, चाइना का है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वन फैमिली वन जॉब के बारे में है। ये स्कीम देखो सिक्किम में लॉन्च की गई थी, वो फैमिलीज जिनके जिनमें कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, इस बारे में है ये वन फैमिली वन जॉब स्कीम। अगर यूपीएससी स्टेट का नाम पूछे तो आंसर होगा सिक्किम। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी युवा स्वाभिमान योजना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो यूथ हैं अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनको साल में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जीवन संपर्क, अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उन स्कीम्स के बारे में जागरूक किया जा सके बेनिफिशरीज को, खास करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। तो ये तीन अलग अलग न्यूज़ थी, जीवन संपर्क मध्य प्रदेश सरकार की, युवा स्वाभिमान योजना और सिक्किम सरकार की वन फैमिली वन जॉब। नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में है। पहले देखो एक एजेंसी हुआ करती थी नेशनल हेल्थ एजेंसी, अब इसको ही रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है और बना दिया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये एक अटैच्ड ऑफिस होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और काम क्या होगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, काम होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करना। कैबिनेट ने यह भी प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। NHA CEO की जो पोस्ट है वो अब सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होगी। नेशनल हेल्थ एजेंसी का पहले जो मल्टी टीयर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था उसे भी रिप्लेस कर दिया गया है गवर्निंग बोर्ड से। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसको चेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। मेंबर्स में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO, नीति आयोग के CEO ये भी होंगे। इसके अलावा डोमेन एक्सपर्ट्स को और स्टेट से भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बोर्ड कम से कम 3 महीने में एक बार मिलेगा। यह जरूर याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्संस 2018 के बारे में है। बस आप इतना याद रखिएगा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के द्वारा। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल होविट्जर प्लांट के बारे में है। गवर्नमेंट ने देखो पहला प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम है आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स। इसे डेवलप किया गया है L&T के द्वारा। कहाँ पर? हजीरा गुजरात में। ये जरूर याद रखिएगा, हजीरा गुजरात। ये जो आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर गन का निर्माण होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। आगे देखो आप छोटी सी चीज़ ये याद रखिएगा, बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो साइबर क्राइम से संबंधित है, और ये एकमात्र बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। मतलब साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एकमात्र बाइंडिंग ये कन्वेंशन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन। लास्ट आर्टिकल है राखी गढ़ी से संबंधित। राखी गढ़ी देखो हरियाणा में है, और ये बिगेस्ट हड़प्पन साइट है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को कपल ग्रेव मिली हैं, दोनों की बॉडीज साथ साथ मिली हैं, तो ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकली कन्फर्म्ड कपल ग्रेव हैं। अगर UPSC पूछे कि कपल ग्रेव हाल ही में मिली थी, कहाँ पर मिली है? राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है, और ये बिगेस्ट हड़प्पन साइट है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। इस प्रकार से हमने जनवरी के मिसलेनियस आर्टिकल्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।